हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्चना फैशन ट्रेंड्स। आज आप सीखेंगे शॉर्ट फ्रॉक बनाना, जो कि मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो सबसे पहले चोली की लंबाई नापेंगे हम। तो चोली की लंबाई हम ले लेंगे 13.5 इंच। आप देख रहे हो, 13.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद कटिंग कर लेंगे। दो बार फोल्ड करने के बाद इसकी चौड़ाई ले लेंगे 19.5 इंच। अब गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच और यहाँ कंधे की चौड़ाई ले लेंगे 4.5 इंच। अब इसकी लंबाई ले लेंगे 6 इंच। और इसकी लंबाई ले रही हूँ 5 इंच। अब यहाँ 3 इंच पे निशान लगाएंगे। उसके बाद इस तरीके से बॉक्स को बना के उसके बाद गुलाई दे देंगे। आप देख सकते हो, अब यहाँ पे 1 इंच पे निशान लगाकर इस तरीके से उसके बाद कटिंग कर लेंगे। बैक वाले पार्ट को हम निकाल के फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। आप देख सकते हो, फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसमें भी हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे और लंबाई ले लेंगे 1.5 इंच फ्रेंड्स। उसके बाद कुछ इस तरीके से बॉक्स बना के फिर गोलाई देके कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे हम घेरे का कपड़ा कट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। इसकी लंबाई में ले रही हूँ 17.5 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, आपको जितना चाहिए। अब इसको अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो, घेरे के दोनों पार्ट की कटिंग मैंने कर लिया है। अब चलिए बाजू की कटिंग करना बताते हैं। तो बाजू की कटिंग करने से पहले हम 4 बार इसको फोल्ड कर लेंगे और इसकी लंबाई ले लेंगे 18 इंच और चौड़ाई 8 इंच ले रही हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब यहाँ पे 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से और इसकी लंबाई ले लेंगे 2 इंच। अब इस तरीके से मार्क करके कट कर लेंगे।
तो कटिंग पूरी हो चुकी है फ्रेंड्स, अब चलिए सिलाई करना बताते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट वाले पार्ट का गला बनाएंगे, तो आप देख सकते हो। अब इसी तरीके से हम बैक वाले पार्ट का गला भी बना लेंगे। तो अब चलिए हम इसको घेरे को बनाना बताते हैं। तो सबसे पहले हम घेरे को जब सिलना स्टार्ट करेंगे तो इसका टाका बड़ा कर लेंगे, उसके बाद ही सिलेंगे फ्रेंड्स। अब सिलाई करने के बाद यहाँ से एक धागे को पकड़ेंगे और इस तरीके से खींचेंगे। आप देख सकते हो इसी तरीके से चुन्नट बनाएंगे फ्रेंड्स। आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से चुन्नट लग गया है। अब इस तरीके से गांठ बांध देंगे ताकि खुले ना कभी भी। अब चुन्नट को हाथ से बराबर कर लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हो कंधे को इस तरीके से जोड़ लिए हैं। अब बाजू की सिलाई करना बताएंगे। On and on.
close till I get up. Time is barely on our side. यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 6 डोरियाँ बना लिया है। 4 डोरी बाजू में लगाएंगे और 2 डोरी नेक में लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रॉक की मैंने पूरी सिलाई कर ली है, बाजू लगा के फिटिंग लगा लिया है। इसको हम इसलिए नहीं दिखाया फ्रेंड्स क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। तो यहाँ पे हम डोरी को अटैच करेंगे। आप देख सकते हो दोनों बाजू में भी मैंने डोरी को लगा लिया है। अब यह फ्रॉक एकदम कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।